आज पोजीशन लिख पे आज का थ्योरी बेस्ड ही रहेगा और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो आज का सेशन रहेगा डिवाइस सिक्योरिटी के ऊपर। अब एक चीज देखो कि डिवाइस सिक्योरिटी कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, ठीक है। अब देखा जाए तो डिवाइस सिक्योरिटी ऐसे देखा जाए तो कोई भी सिक्योरिटीज में पढ़ाता भी नहीं है, और वैसे ही बहुत बेसिक चीज होती है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हो अपना मोबाइल और विंडोज, ठीक है, या फिर आपके पास में मैक और अगर आईओएस है वहां पे सिक्योरिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन वही चीज अगर मैं बात करूँ एंड्रॉयड और विंडोज को लेकर के, तो वहां पे सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं। अब देखो, अब अगर मैं आईओएस और एंड्रॉयड के डिफरेंस की बात करूँ कि आप क्या चीजें यूज करते हो दोनों में से, तो ये डिफर करता है आपके प्रेफरेंस के ऊपर, ठीक है। अब जैसे देखा जाए तो एज एन सिक्योरिटी एक्सपर्ट, पहले मैं यूज करता था आईफोन, फिर उसके बाद रिसेंटली मैंने सेल किया एंड आई वाज जस्ट बैन एंड्रॉयड बिकॉज मेरा प्रेफरेंस वो है, क्योंकि आई वांट टू यूज सम टर्मिनल्स एंड लाइक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है पूरा एंड्रॉयड, तो वहां पे सिक्योरिटीज मेजर्स जो है वो मुझे ज्यादा रखने पड़ते हैं रादर देन योर आईफोन, ठीक है, और रादर देन योर आईओएस। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके पास में कोई भी अगर फोन है तो वहां पे आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या आप सिक्योरिटी मेजर्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके एंड्रॉयड की, या फिर सिंपल या फिर मैं बात करता हूँ मोबाइल डिवाइस, ठीक है। अब मोबाइल डिवाइस में हम लोग हमेशा जो है वो बहुत सी चीजें भूल जाते हैं। इनफैक्ट अगर आपका कभी फोन चोरी हो जाता है या ईमेल जो है, अब ईमेल और फोन चोरी जो है दोनों केस में हो सकता है, आईओएस रहे चाहे वो एंड्रॉयड रहे, ठीक है। और कभी कभी आपका जो ईमेल है वो भी कॉम्प्रोमाइज होता है, ठीक है, तो उसके क्या क्या चांसेस होते हैं। तो सबसे पहला सिक्योरिटी मेजर्स आपको लेना है वो है आपकी डिवाइस इंक्रिप्शन को लेकर, ठीक है। अब डिवाइस इंक्रिप्शन का मतलब है आपका जो डिवाइस है वो प्रॉपरली इंक्रिप्टेड होना चाहिए, आपका जितना भी डेटा है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए ताकि कोई भी आपका डेटा ले ना सके और चुरा ना सके। अब डिवाइस इंक्रिप्शन का मतलब ये है, वैसे देखा जाए तो अपने मोबाइल में आप जो भी डेटा स्टोर भी करते हो तो एज सच उसके अंदर कोई बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्शन नहीं होता है, लेकिन जब डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो या फिर डेटा यहाँ से वहां लेके जा रहे हो तो आईफोन में सिक्योरिटीज होती है, लेकिन अगर मैं एंड्रॉयड की बात करूँ तो इजिली जो है डेटा को ट्रांसफर कर सकते, ठीक है। लेकिन बहुत से केसेस में एंड्रॉयड आपको डेटा हाइड का ऑप्शन देता है, ठीक है, डेटा हाइडिंग ऑप्शन देता है। अब कुछ कुछ ऐसे मोबाइल फोन्स भी अभी आ चुके हैं जहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी चिपसेट आता है, ठीक है, जिसकी मदद से आप अपने डेटा को सिक्योरली सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई सीक्रेट डेटा है या फिर कोई ज्यादा इंफॉर्मेटिव डेटा है, आपको क्या करना है, आपको एक जिप फाइल बनानी है और जिप फाइल को रखना है पासवर्ड प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब ये जो जिप फाइल होती है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगी, जब तक आप उसको यूज कर रहे हो तब आप उसको पासवर्ड डाल के यूज कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, या फिर अगर आपको यूज नहीं करना है तो आप उसको ड्राइव पे भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि जिप फाइल अगर आगे वाले को मिलती भी है तो आपका पासवर्ड जो है वो आगे वाले को पता नहीं चलता। लेकिन इसमें भी एक चीज होती है कि जिप भी क्रैक किया जा सकता है, ये आगे दिखाऊंगा जिप कैसे क्रैक करते हैं। तो हमेशा आपका जो भी पासवर्ड रहेगा वो हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, ठीक है। देन सेकेंड जो है वो है आपका स्क्रीन लॉक, जो ऑब्वियस सी बात है आप लोग रखते ही हो स्क्रीन लॉक। अब स्क्रीन लॉक में भी कुछ चीजें होती है, जैसे कि सबसे पहली चीज होती है आपकी पासवर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सपोज बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपका फेस लॉक या फिर आपका फिंगरप्रिंट फेलियर होता है तो उसके बाद आपको पासवर्ड ही डालना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने पासवर्ड 4 डिजिट पिन रखा है या फिर आपने पासवर्ड 6 डिजिट पिन रखा है, और आपने अगर पासवर्ड पिन ही रखा है जो आप पिन में लगाते हो 4 डिजिट 6 डिजिट, जैसे 001 हो गया, ठीक है, 110 हो गया, तो ये आपको लगाना नहीं। क्यों लगाना नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट में ऐसे डिवाइसेस हैं जो आपके पासवर्ड्स को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। एक डिवाइस मैं आपको दिखाता हूँ, एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, इसके आपको दिखती भी होगी। ठीक है, ये दोनों केस में आप आईओएस में भी चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो
सर ये ओल्ड एंड्रॉइड वर्जन के लिए होगा ना, क्योंकि अब तो क्या नहीं बोलते हैं शायद लिमिट लग नहीं, जाता है। वो लिमिट बाईपास होती है अभी, क्योंकि एक्चुअली जो लिमिट लगता है ना वो आपके टाइमर के हिसाब से लगता है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो वो एक ऐसा प्रोग्राम किया जाता है, जैसे अगर आप 5 to 6 अगर रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि जब आपका टाइमर स्टार्ट होता है तो ये जो अटैक है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं होता है, जहां से उसने अपना पिन स्टार्ट किया था ना, तो जैसे ही आपका टाइम खत्म हो जाएगा वैसे वापस से वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज भी होती है, तो ये एक नई चीज आई है अभी अपडेट में। ठीक, मतलब टाइम खत्म होने के बाद फिर से करता है वो, फिर से, हाँ फिर से चालू कर देगा वो। ठीक है, और तो अगर एक, ऐसे पासवर्ड बहुत स्ट्रांग हो तो फिर। हाँ पासवर्ड स्ट्रांग हो तो फिर नहीं कर पाएगा, पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये, हाँ इस प्रकार से ये एक डिवाइस है जो इसने टर्मिनल पे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना वीडियो, आपको पता चल जाएगा, ये आई थिंक काफी पुराना वीडियो होगा, एक नया लेटेस्ट वाला वीडियो देखना तो उस पे आपको मे बी समझेगा कि किस प्रकार से जो है वो यूज हो रहा है। देखो, आफ्टर 5 रॉन्ग पिंस 30 सेकेंड, ठीक है, ये जो आप बोल रहे हो लिमिटेशन, ठीक है, तो ये लिमिटेशन बाईपास होती है। ठीक है, तो जो भी आप टूल यूज कर रहे हो ना वहाँ पे वो लिमिटेशंस के सेकेंड्स दिए गए हैं। ओके, और प्रॉपर सेकेंड्स वहाँ पे सेट होते हैं, अगर आपका 5 रॉन्ग पास अपना पिन रहा तो 30 सेकेंड्स, 5 रॉन्ग पिन रहा फिर बाद में फिर 30 सेकेंड्स, फिर 30 सेकेंड्स, फिर अगर 41 रॉन्ग पिन रहा तो 60 सेकेंड्स। अब 41 रॉन्ग पिन जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में हिट होता है। ठीक है, और 60 सेकेंड्स इज जस्ट एन लाइक लेस नंबर। ठीक है, तो हाँ सैमसंग के फोन की अगर बात करूँ, सैमसंग में आपने देखा होगा कि वो टाइमर बढ़ाता रहता है। ठीक है, तो वो फोन में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम होती है, जहाँ पे आपका टाइमर बढ़ रहा है, अगर आपके पास सैमसंग का फोन होगा तो शायद होता था, नए वाले इसमें तो पता नहीं कैसा है। ठीक है, तो वहां पे अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे आपको सेम चीज दिखेगी कि अगर आपने लिमिट भी लगा के रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो इजीली जो है, यहाँ पे देखोगे तो आप पिन्स है, ठीक है, उसकी प्रॉपर फ्रिक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी के बाद में इसने सेटअप वेटअप किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने एक डिवाइस लगाया हुआ है जो अपने टर्मिनल से कनेक्टेड है, और जैसे ही वो स्टार्ट करता है वैसे आपका जो फोन है वो ऑटोमेटिकली आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि पासवर्ड जो है वो अनलॉक होते हैं। ठीक है, सेम iOS में भी होता है, तो वो लिमिटेशंस ब्रेक होते हैं, वहां पे दिया होता है कितने टाइमर करके आपको वापस से स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये केस में आपको क्या करना है, आपको पिन यूज ही नहीं करना है, आपको यूज करना है डायरेक्ट पासवर्ड जो आपके कैरेक्टर्स में होते हैं, कैरेक्टर्स वाले जो है वो अनहैकेबल होते हैं। ठीक है, अनहैकेबल्स होते हैं, आजकल पैटर्न्स कोई यूज नहीं करता, मे बी ओल्ड वंस जो होते हैं वही पैटर्न्स यूज करते हैं। अगर आप यूज करें तो आप यूज कर सकते हो पैटर्न्स, पर पैटर्न्स भी गेसेबल होते हैं अगर वो पैटर्न गेस कर सकता है तो। अदरवाइज अगर आप कैरेक्टर्स में रखते हो 8 से 16 डिजिट्स तक का जो आपका पासवर्ड है, 8 रखो मैक्स 16 अगर आप करोगे तो बार बार आपको अनलॉक करने में इश्यू आएगा। वैसे तो अभी फिंगरप्रिंट और फेस लॉक है तो ज्यादा आप पासवर्ड्स का यूज नहीं करते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फेस लॉक काम नहीं करता है या फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है, वो सिचुएशन में आपको 8 कैरेक्टर्स का या फिर एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स का तो भी होना चाहिए, जो जिसके अंदर आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहे, जिसके अंदर आपका स्पेशल कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक और अनगेसेबल पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड हमेशा कैरेक्टर्स में होना चाहिए। उसके साथ आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अभी हर मोबाइल में आया है कि आपके पास में या तो बायोमेट्रिक्स रहेगा, अब एंड्रॉइड एंड्रॉइड में भी बायोमेट्रिक के साथ में फेस लॉक दिया गया है, और फेस लॉक देखा जाए तो एंड्रॉइड में काफी हद तक के फास्ट हो चुका है पहले के एंड्रॉइड के मुकाबले। ठीक है, आप फेस लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हो विथ बायोमेट्रिक भी होता है, और उसके साथ जो भी आप पासवर्ड रख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपने iOS में देखी होगी कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को हाइड करते हो, अभी वहाँ पे हिडन का फीचर आ गया, एप्लीकेशन लॉक का फीचर आ गया, अगर आपका फेस लॉक नहीं लगा, आपका फिंगरप्रिंट नहीं लगा, तो वो आपको पिन पूछेगा और वही पिन जो है वो क्रैक हो सकता है। ठीक है, तो पिन जो है वो सोच समझ के रखना। ओके, और स्ट्रॉन्ग पिन भी आप रख सकते हो। डन, तीसरी चीज आती है स्क्रीन लॉक के बाद आपकी, वो है OS एंड ऐप अपडेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे कई सारे हैकर्स होते हैं जो ऑलरेडी अटैक्स कर रहे हैं हमारे ओल्डर वर्जन्स पे या फिर ओल्डर फोन पे। हालांकि अभी देखा जाए तो Android 9, जैसे कि हमने देखा था हमारे सिस्टम हैकिंग में, तो Android 9 तक तो काफी हद तक के वल्नरेबल होते हैं सिस्टम्स, लेकिन अभी Android 14 में कई सारे सिक्योरिटी मेजर्स आ चुके हैं जो iOS के करीब करीब आ रहे हैं, लेकिन iOS जितना सिक्योर नहीं है, क्योंकि iOS जो है वो बहुत ही ज्यादा रेगुलर बेसिस पे आपको सिक्योरिटी अपडेट्स देता है रादर देन एंड्रॉइड। ठीक है, तो
तो जैसा भी है आपको रेगुलरली जो है वो एप्लीकेशन और ओएस के लिए सिक्योरिटी अपडेट्स देना ही देना है, ठीक है। तो ये अपडेट्स जो होते हैं वो आपको हमेशा देना है जब भी आपको अपडेट्स आएंगे। ओके, देन फोर्थ चीज होती है गूगल प्ले प्रोटेक्शन। अब अगर आप एंड्रॉयड भी यूज कर रहे हो तो उसने सेम आईओएस जैसा ही एक फीचर लाया है कि अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है उसके पहले एक ऑथेंटिकेशन लगेगा, चाहे वो बायोमेट्रिक हो चाहे वो पिन या पासवर्ड हो, ठीक है। तो सेम हमारे इसमें भी होता था, आईओएस में भी होता था, हम लोग डायरेक्ट लॉक स्क्रीन डबल प्रेस कर देते थे और फेस लॉक से वो ओपन हो जाता था, ठीक है, मतलब इंस्टॉल हो जाता था। तो सेम चीज जो है वो यहाँ पे भी आपको एडिशनल रखी, अगर आपको अनेबल करना तो आप कर सकते हो, जहाँ पे एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वाइल इंस्टॉलिंग एप्स, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, प्लस एप्लीकेशन स्कैन ऑटोमेटिकली होता है गूगल प्ले स्टोर पे, तो अगर कोई भी आप मैलिशियस एप्लीकेशन डाउनलोड करते तो पहले ही बोल देता है कि अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप इंस्टॉल एनी वे करो या अगर आप उसको इंस्टॉल मत करो। तो अगर ऐसे कोई एप्लीकेशन है तो आपको इंस्टॉल करना ही नहीं है। देन फिफ्थ पॉइंट है एप्लीकेशन परमिशन। अब देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑफिशियल से अगर आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, जैसे कि मैंने अगर प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो प्ले स्टोर वाला खुद वैसे पहली बात तो रिव्यू करता है अपने एप्लीकेशन को, कोई मैलिशियस परमिशंस है या नहीं, बट फिर भी वहाँ पे कुछ ऐसे परमिशंस होते हैं जो नीडेड होते हैं, लेकिन बैकएंड में क्या चल रहा है आपको पता नहीं होता है, ठीक है। अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहाँ पे ऐप इन्फो होता है, ठीक है, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन के परमिशंस, उसके ऑथर, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस मिलता है, ठीक है, कभी देखा होगा। तो वहाँ पे आप रिव्यू करना कि एप्लीकेशन कौन कौन से परमिशन ले रहा है, जैसे कि एक एप्लीकेशन है कैलकुलेटर, ठीक है, आप अगर कैलकुलेटर आपके कैमरा के परमिशन ले रहा है, आपके माइक की परमिशन ले रहा है, ठीक है, तो वो यूजलेस है क्योंकि कैलकुलेटर का कोई जरूरत ही नहीं है माइक और कैमरा का ये लेना, परमिशन लेना। अब कुछ कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन है जिसको नीड तो है कैमरा और माइक की परमिशन लेना और वो यूज करते भी हैं लेकिन आपको नहीं पता कि वो किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो है वो आपको पहले चेक करना है कि एप्लीकेशन सच में लेजिटिमेट है कि नहीं है, ठीक है, या फिर ऑफिशियल है कि नहीं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो पिछली बार बहुत सारे चाइनीज एप्लीकेशन जो वो बैन हो चुके थे। वैसे तो उसका पर्पस ही था कि आप अगर टिकटॉक यूज कर रहे हो तो उसका पर्पस या फिर माइक और कैमरा एक्सेस हो रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो डेटा कहाँ भेज रहा है या फिर कहाँ सेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये केस में जो है ऊपर से आप, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर वो डेटा आपका ले भी रहा है तो आप डेटा को हाइड करके रखो जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि वो हिडन डेटा एक्सेस नहीं कर सकता है विदाउट ऑथेंटिकेशन, लेकिन वो ऐसा डेटा एक्सेस कर सकता है जो आपके सिस्टम में अवेलेबल है और इजीली एक्सेसिबल है, ठीक है।